नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्राफ्टमैन का जो आईपीओ आया है उसमें क्या करना चाहिए, आपको लिस्टिंग गेम के लिए ऊपर पैसा बनाना चाहिए या लॉन्ग टर्म के ऊपर पैसा लगाना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि इस आईपीओ में आपको करना क्या है। जैसे कि हमने एमटीआर का आईपीओ में सब्सक्राइब का बोला था, ऑलमोस्ट डबल पैसा आपका हो चुका है और आने वाले टाइम में उसमें और भी रिटर्न मिलने की उम्मीद है दोस्तों। तो अब बात करते हैं क्राफ्टमैन ऑटोमेटिव का आईपीओ के बारे में। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन का आईपीओ जो ओपन हो चुका है अभी और जिसका प्राइस बैंड है 1488 से 1490 पर शेयर, और 80% ऑफ दी आईपीओ कंप्राइज ओएफएस बाय 2P एंड एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड स्मॉल पोर्शन बाय अ प्रमोटर। अब कंपनी कर क्या रही है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी है ऑटोमेटिक पावर ट्रेन, यानी कि मेकर्स है ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स एंड हेड्स फॉर एम एंड एच सीवी एंड सी का, यानी कि कंपनी का जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक होते हैं फॉर ट्रैक्टर्स उसमें है और काफी अच्छा रेवेन्यू वहां से जनरेट करती है। दूसरा पार्ट है ऑटोमेटिव एल्यूमिनियम कास्टिंग का, उसका कैपेसिटी इन्होंने 70% बढ़ाया है लास्ट 3 साल के अंदर, और ग्रोइंग डिमांड है टू रिड्यूस द वे व्हीकल वेट, स्पेशली इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। आपको पता है कि गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है तो उसका इसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, उसकी वजह से ही इन्होंने वो जो कैपेसिटी है वो 70% बढ़ाया है। इससे पता चलता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट है, दूरदर्शी सोच रखते हैं कि आगे आने वाले सालों में क्या होगा, यानी कि क्वालिटी का बेहतरीन प्रदर्शन आपको दिख रहा है, ऑलरेडी उन्होंने कैपेसिटी अप किया है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसका 28% ऑफ द रेवेन्यू होता है, जिसका कैपेसिटी अप हो चुका है 2x ऑन अ वॉल्यूम बेसिस, यानी कि कंपनी अपना जो प्रोडक्ट्स है उसमें कैपेक्स डाल रही है और अपना जो रेवेन्यू है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब जो उनका प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या है, उनका फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं कि ईपीएस जो है वो 22 रुपए के आसपास है ओवर 25 फॉर FY21 का, और FY20 का जो था 22 है, यानी कि कोविड का जो इम्पेक्ट था फिर भी उसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। अब जो कैपेक्स उन्होंने कंप्लीट किया है 800 करोड़ का, जो इसमें आपको पता है कि आपका जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 30% FY22 के ऊपर उनको लग रहा है कि मिलेगा, तो आपको अच्छा ईपीएस मिलेगा। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कोई भी आईपीओ में कि वैल्यूएशन क्या है। कंपनी का जो अभी FY22 का जो एक्सपेक्टेड पीई है वो मल्टीपल ऑफ 20 है, तो आप वो उनका जो डिस्काउंट्स कर रहे हैं पीयर्स लाइक एंड्यूरेंस टेक है, भारत फोर्ज है, जमुना एंड मिंडा इंडस्ट्रीज है, वो सारे अराउंड 23rd से लेके 30 है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ तो बचा है दोस्तों अपने लिए। तो अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जो कंपनी के है कि पीयर्स का जो परफॉर्मेंस रहा है उसके सामने कोविड में इस कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, गुड क्वालिटी मैनेजमेंट है। आपको ऑलरेडी पता चल गया कि आगे कैपेक्स उन्होंने पहले से ही बढ़ा रहे हैं। पी इन्वेस्टर मरीना एंड आईएफएससी सेलिंग हाफ देयर होल्डिंग विथ 18-20% सीएजीआर रिटर्न, तो बहुत ही ज्यादा होता है दोस्तों, और स्मॉल इक्विटी है दोस्तों, यानी कि बहुत ही छोटा सा क्वालिटी स्मॉल कैप आप बोल सकते हैं। और ये जो अभी आपको पता है कि कैपेक्स साइकिल रिवाइवल हो रहा है और हाई ग्रोस मार्जिन बिजनेस है ये, और क्वालिटी मैनेजमेंट है और डिस्काउंट है वैल्यूएशन के सामने, तो लिस्टिंग गेन के लिए और लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, इस आईपीओ में पैसे लगाने ही चाहिए दोस्तों, इसमें आपको दोनों तरफ से बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया गया है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।